स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, दुनिया जहान में ब्रह्मांड में हर चीज खत्म हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ दुनिया नष्ट हो सकती है, जैसे डायनासोर चलेगा एक टाइम के बाद हम लोग भी चले जाएंगे। पर एक चीज जो कभी खत्म नहीं होगी वो है चंद्रिका गेरा दीक्षित बड़ा पाव गर्ल की बकवास। वो मतलब बता रहा हूँ, वो अगर निस्ते नाबूद भी हो गए ना एक दिन, तो उसका जो स्कल होता है ना खोपड़ा, वो पक 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 करके कुछ बकवास ही कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं और बढ़िया बढ़िया बकवास और मजे करते हैं। एक ऐसा इलेक्शन जो आपको विनर को लेके मैं ऑलरेडी विनर हूँ भाई। कितना कितना गधा हो सकता है कोई, कितना ये लेवल है उसका, एकदम बिल्कुल पराकाष्ठा। उससे पूछ रहे हैं विनर के बारे में क्या कहना है, क्योंकि वो सना मकबूल जीत गई है, तो उसके बारे में कुछ कहो। मैं विनर हूँ, मैं सामने खड़ी हूँ, इकलौती विनर, मैं ऑलरेडी विनर हूँ। वो बकवास करके हंसती अलग ही दांत निकाल करके, मैं विनर हूँ, मैं भी ना रहूं। आराम से टच मत करना, तेजी सबके दिलों पे राज कर रहा है, सबको पता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट अनफेयर लगा है। बस हो गया, हमेशा होता है। क्या हो गया बाबू, पहली बार थोड़ी हुआ है। कोई एक ऐसा इलेक्शन जो आपको अनफेयर लगा। मेरा भाई कितनी सेल्फ ऑब्जेस्ट है, कितना सेल्फ ऑब्जेस्ट हो सकता है। मैं तो कहता हूँ इसको और सेल्फ ऑब्जेस्ट होना चाहिए, उस लेवल पे पहुंचना चाहिए कि एक दिन ये बोले कि यार ये जो तेल में भजिए जा रहे हैं ये डिजर्व नहीं करते अंदर जाना, मैं डिजर्व करती हूँ, और खुद को बेसन में लपेट के। कल बस आप लोगों को विनर का नाम पता चल जाएगा, जो कि मुझे ऑलरेडी पता चल गया है। बट आप लोगों को कल पूरा फाइनल आप लोग देख। ये पोल पट्टियां क्यों खोल रही है बिग बॉस की भाई, कि मुझे ऑलरेडी पता लग गया। वो उतनी देर नोटक नोटक ही करते हैं, मतलब ये बताना चाहती है। वो जो टॉप फाइव होते हैं उनको पहले से पता होता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अभी एंजॉय किया हम लोगों ने, बट बहुत लंबा शूट हो गया, सुबह 6-7 बजे से लेके रात की 10:30 बजे तक। अच्छा मतलब इसका व्लॉग उससे पहले आ गया था, शूट हुआ होगा तभी पता चला होगा। ठीक थी, न्यू काम करा, काम किया, ये दिखी तक नहीं है पूरे उसमें। अरे बहुत काम किया, इतना काम किया, थक गए, ओ माय गॉड, दिखी ही नहीं कि कहाँ थी मैडम आप। वो पीला सूट पहन के बेसन लपेट के जो बैठ ही दिया, कहीं नहीं दिखी। आप किसके चलते नॉमिनेट हो गए? शिवानी। और अगर शिवानी वो नाम नहीं उस दिन लेती तो आज मैं होती घर में, और आज मैं घर में मैं टॉप फाइव में होती भैया। इतने सारे वड़ा पाव लेके क्यों बैठे हैं पर ये लोग, ठंडा करने के लिए ना? मेरे को लोगों की सच्चाई पता चल जाती, मुझे लोगों अदनान के साथ मुझे 1-2-1 करने का मौका मिल जाता, मुझे बहुत कुछ चीजें। इसको सब मिल जाता, इसका सब पूरा दुनिया जहान उजड़ गया जैसे ये बाहर निकली। जब तक अंदर थी जब तक तो मुंह में वड़ा पाव लेकर चुपचाप बैठी हुई थी एकदम। एक वो गुटखा खाता रहता था, ये अपना मुंह बंद किया, पता क्यों बेवजह रखती थी। उसके पास तो चलो गुटखा रीजन था, इसके पास क्या रीजन था? कुछ भी नहीं। बिग बॉस के लिए ड्रेस सिलेक्ट करते हुए ये ड्रेस फिर भी अच्छी लग रही है जो ये ढूंढ रही है। बेसन क्यों लपेट के आई थी फिर? तरके सा अजीब सा पीला वो चुड़ैल बन के आई थी, बाल भी रहता था उसमें, नहीं रहती थी पीली चुड़ैल, ये बेसन चुड़ैल बन के जा सकती है उसमें। बेसन परी नहीं यार, परी तो अच्छी रहती है चुड़ैल। हमारा हुआ है चेंज, हमें मिला है एक बड़ा वैरायटी जो कि मैं डिजर्व करती हूँ। हाँ बहन तू सब डिजर्व करती है, इस दुनिया में जितना कुछ है ना, जो कुछ भी गिर रहा है हर चीज तू डिजर्व करती है। जितने गोबर है उन सब पे पैर रखना डिजर्व करती है, जितने केले के छिलके पड़े उन सब पे फिसलना डिजर्व करती है, तू हर चीज डिजर्व करती है। और आ चुका है हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट। हमको तो समझ ही नहीं आता ब्रेकफास्ट और नाश्ता से भी चाहिए, नाश्ता ब्रेकफास्ट। एक और आवाज लगा दे उसको, कुत्ता है वो आ जाएगा दौड़ के। सर के लिए चीज बोलना चाह रही हूँ, प्लीज। जरूर जरूर बोलिए ना प्लीज। ये देखो दोस्तों ये पहन के, रणवीर सर आप इतने हैंड्स, ये देखो इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस देखी उधर, ये देखो बेसन परी लग रहे हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। रणवीर जी एक बार खड़े होकर एक बार बता दीजिए ना सूट। रणवीर जी को यहाँ पे खड़े होकर खुद से सवाल कर लेना चाहिए कि इसको तो मर्द जात से नफरत है, तो इसको मैं कैसे पसंद आ रहा हूँ? मुझे कुछ गलत तो नहीं समझ रही है कहीं? Oh my God. अब इसका मर्द नहीं देख रहा घर पे बैठ के, जो बात बात पे बोलती थी मेरा मर्द है घर पे बैठ के देख रहा है, मीनी अगर कुछ भी भूल है तो वो सुन लीगी। और गाइस इंडिया के एक साधारण से लड़के ने वन विन की मदद से एक अपनी ड्रीम कार अचीव करी, मतलब उसको फ्री में मिल गई वो। और दोस्तों सच कहूं तो अभी आपके पास भी चांस है अपनी ड्रीम कार जीतने का, जो है फरारी 296। देखो सिंपल सी बात है, वन विन की वेबसाइट पे कैंपेन चलता है लकी ड्राइव करके, जिसपे ये लोग 100 मिलियन से ज्यादा की कार्स रखते हैं, जिसमें आती है मर्सिडीज जी क्लास, उरुस, मैक्लेरेन, साइबर ट्रक और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कार। और मुझे जैसे ही पता चला मैं आपको बताने आ गया कि इनका कैंपेन हर महीने अपडेट होता है, और अभी ये लोग दे रहे हैं एक साइबर ट्रक, तो मौका आपके पास है उसको जाने मत दो। बाकी अवेल कैसे कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वन विन की वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर करो, देन टॉप अप योर डिपॉजिट विद $10। उसके बाद जब भी आप खेलने आओगे आपको हर रोज एक टिकट मिलेगा, जो कि आपके जीतने की संभावना और ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर प्राइजेस की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे प्राइजेस है, जैसे कि टेस्ला, साइबर ट्रक, 25 iPhone, 25 MacBook, कुछ भी आपको मिल सकता है। एंड जो आपकी टिकट की ड्रॉइंग है वो हर महीने की 15 तारीख को होती है, तो आप जितनी जल्दी चालू करोगे, जितनी ज्यादा टिकट्स आपके पास होंगी उतनी ज्यादा
ज्यादा आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी चालू करोगे उतनी जल्दी डिपॉजिट करोगे। दैट्स इट, बस इतना ही कॉम्पिटिशन है और ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं। और एक बात याद रखें, जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती, जब आए सामने तो उसको पकड़ लो। सो गुड लक विद लकी ड्राइव। सो किसका वेट कर रहे हो, पिन कमेंट में लिंक छोड़ दिए, जाके उसको फॉलो करो, अपना डिपॉजिट डालो और मजे करना शुरू करो। मेरे हस्बैंड कब से आईफोन मेंटेन कर रहे हैं आप? आईफोन मेंटेन कर रहे हैं? आईफोन है, हाथी है, पालना पड़ रहा है। आईफोन मेंटेन कब से? 4 सालों से आईफोन मेंटेन हो रहा है। वो भी देखो कितना है, 4-5 साल से। हाथी है ना जो अपने ही बात है। भाई तू ये बता, तू ये चंद्रिका को कब से मेंटेन कर रहा है और कैसे मेंटेन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये तो किताब लिख सकता है, हाउ टू मेंटेन चंद्रिका। ये बहुत बड़ा शौकीन इंसान है, इनकी बाइक भी देख लेना। तो मतलब हम गरीब थे, हम बाइक नहीं, पुराने राइडर थे ये राइडर है, सीरियसली बता रही है। ये है बेसन, इतना पसंद है कि बेसन वाला रंग ही पहना है। इतनी अमीर हो गई मैं, इसलिए बेसन ही लपेट के आ गई, बेसन में डूब के आई है। बस कर बहन, बिग बॉस खत्म हो गया, अब कोई नहीं पूछेगा तुझे, होश में आ जा। सना जी जीत गई, अच्छी बात है, घर पावर जीता। वाह, हर चीज में अपने लिए कुछ ना कुछ निकालना आता है उसको। अच्छी बात है ना, गर्ल पावर जीता। उसका पति पीछे से कहता कि मैडम मैं आदमी हूँ, अगर आपको कभी पता लगा हो तो। जो आप लड़कियों से प्यार और मर्द जात से नफरत बोलती रहती हो, मैं एक आदमी हूँ। लेजी बाइक में क्या बोलना चाहोगे? दिलों पे राज कर रहा। अरे अरे नेजी बेचारा बाहर आके कुछ खाने पीने की जुगाड़ कर रहा है, और तुमने ध्यान दिया हो तो जब टॉप टू ये लोग डिसाइड हुए थे और बाहर की तरफ जा रहे थे, नेजी ने जाते जाते भी कुछ पीने की चीज उठा के उसकी चुस्की मारी है। मेरे को ऐसा लगता है जब ये नर्वस होता है तो खाता है शायद बेचारा। तकरीबन चंद्रिका की अनसेफ हो रहा था, इसलिए तुम निकल चुके हो घर से, अभी तुम सेफ घूमो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो बंदी का ना एक मुद्दा था, ना एक स्टैंड था, अपने पॉइंट्स पे क्लियर नहीं थी, अपने ना कोई किचन है, पट्टी है, मेरी आंखों पे पट्टी है, ये है वो है, बस उसमें ही लगी थी। चारे ने बाहर आके देखा कि सच में ये तो किचन के अलावा कहीं दिखी नहीं, बस रोटी बना रही थी और बस इसके ऊपर कीचड़ उछाल रही थी बेचारे पे। मैंने उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे काफी सारी चीजें बोली जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जब मुझसे माफी मांगी तो उनको मैंने 2 सेकंड में माफ कर दिया। और अगर बाहर आके वो करी तो भाई वो उनके ऊपर है, वो उनकी उनका माइंड सेट है, माइंड ही तो सेट नहीं है बेचारी का जगह पे। बट हाउ आर यू फीलिंग, आप मतलब कि टॉप 5 तक आए, कैसा लग रहा है, कैसे? बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों के मुंह पे चमाट मारी है मैंने, टॉप 5 क्योंकि मुझे बोलते थे मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, और मैं अरमान जी की पूंछ हूँ, मैं आगे के खड़ी हूँ और वो लोग वहाँ बैठे हैं नीचे और मैं ऊपर स्टेज पे थी, तो आई वाज वेरी हैप्पी। एक तो ये पता है बेचारी इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाती बीच में, मतलब मेरी भी कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी बोलता ही नहीं हूँ मैं तो, इसीलिए ज्यादा इंग्लिश। ये बोलेगी आई एम नाइन शीज का मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बीच में पलटी ले लेती है इंग्लिश से। ये है एक खूबसूरत लेडी जिसका नाम है चंद्रिका दीक्षित, और इसकी ड्रेस देख लो भाई, किसी को नहीं पता मैंने क्या पहना, रिवील हो गया। हाँ मुझे नहीं पता, तेरा मेरा नहीं आया, बाकी सबका। अच्छा मुझे नहीं पता यार, हम इतना पीछे क्यों है, प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा ब्रो। अपनी दुनिया में भाई बेचारी, उसको कोई मतलब ही नहीं दूसरों की दुनिया में क्या चल रहा क्या हो रहा, वो अपनी दुनिया, हम दोनों से प्रॉब्लम है सबको। हमने जिस प्रकार से आलू बड़े तल तल के बड़ा पाव के अंदर डाल के बेचे है ना, पूरी दुनिया जल चुकी है ब्रो, कोई तल ही नहीं पा रहा है ऐसे वो क्या कहते हैं बड़ा पाव। और दिल्ली लेन करेंगे फिर बैक टू वर्क, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है, बहुत सारे आलू बड़े तलने हैं, उनको बहुत सारे बड़ा पाव में रख के बेचना है हरी चटनी के साथ, ऐसी घूम रहे हैं पागलों। तो गाइस विनर हमें मिल चुका है सना मकबूल, और बहुत ही प्यारी ट्रॉफी उसके हाथ में है, मीडिया है यहाँ पे और ये कवर कर रहे हैं, कब कौन निकल रहा है, कब कौन निकल रहा है, मुझे आगे रहना चाहिए था मीडिया। पायल घूम रही पागलों की तरह, ये कैसा कैप्शन है पागलों की तरह, तू क्या कवर करेगी, तो कृतिका ने कवर कर दिया। मुझे बख्श दो, मैं बहुत ईमानदार हूँ, नेक हूँ, ज्यादा खाता सोता हूँ, लेकिन मैंने सबका ख्याल रखा। ऐसा लग रहा था कि नेजी अपनी टीचर से अच्छे मार्क्स के लिए बोल रहा है, या तो फिर उसकी बॉल चली गई है पड़ोसी के घर, वो उनसे मांग रहा है प्लीज मेरी बॉल दे दो, मैं अब यहाँ पे नहीं खेलूंगा प्लीज। पर मुझे सच में ना मजा आ जाता अगर नेजी जीत जाता था मकबूल की जगह, मतलब फनी हो जाता कि पूरे सीजन में आसमान देखा बढ़िया मजे करे, ज्यादा लड़ाई दंगा नहीं करा, एक आध दो बारी हुई थी, मस्त खाना मांगा दूसरे से जब चाहिए था और जीत गए। शिवानी को पता नहीं है अनिल सर ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, अनिल सर को जब स्क्रिप्ट मिलती है तब उस हिसाब से बोलते हैं वो, अटके हुए हैं बेचारे। मान क्या लगता है आपको, ये दुश्मनी बाहर रहेगी, जो आपको जानी दुश्मन है ना घर में वो आपको बाहर आके सबसे प्यारा लगेगा, इसी आप एग्री करते हैं? नहीं सर। और हमारी मांडोली ना हो जब तक हम लोग की आड़ी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी किससे बाहर आड़ी रहेगी? अरमान भाई से। पर मेरी इससे कोई आड़ी नहीं है, इसको बस तुमने इतना बोल दिया ना भाई, काफी मांडोली हो गई, मांडोली हो गई।
कभी कभी तो ऐसा लगता है नेजी जानबूझ के ऐसी बातें करता है मजे लेने के लिए दूसरों के। पर दोस्तों मैं नहीं चाहता आप लोग मेरे मजे लें, तो वीडियो को लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बताओ मुझे और किस चीज पे वीडियो चाहिए, क्योंकि बिग बॉस तो खत्म हो गया, इस चैनल पे हम बिग बॉस की वीडियो डाल लेते हैं और व्लॉग भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो प्लीज व्लॉग भी देख लेना यार, ऐसा मत करना कि तुम व्लॉग ना देखो, ठीक है? टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।